आर वॉचिंग FNI न्यूज। फिल्मों को आप लंबे समय तक याद रखते हैं, शोले फिल्म का वो डायलॉग कि कितने आदमी थे, या 1989 की मैंने प्यार किया, दोस्ती में कोई सॉरी और कोई थैंक यू नहीं होता। उसी तरह से आप खंडेलवाल जी को, उनकी पर्सनालिटी को याद रखेंगे। उनके एक स्पीच में एक डायलॉग हमेशा रहता है कि व्यापारी के जेब में कुछ नहीं होता साहब, जो कुछ होता है उसकी जुबान पर होता है, यानी कि व्यापारी की कमिटमेंट मैटर करती है। तो मेरे 5 रैपिड एक्शन फायर हम करने जा रहे हैं, 5 छोटे से सवाल। सर ये बताइए, व्यापारी की कमिटमेंट ज़्यादा मैटर करती है और या पॉलिटिशियन की, आप दोनों हैं? व्यापारी की कमिटमेंट। कैसे? हम सब लोग जो व्यापारी हैं, हम जबान पर इतना बड़ा व्यापार करते हैं, लिखतम कम है वक्तम ज़्यादा है, जो कह दिया वो पक्का। इसीलिए व्यापारी की जो कमिटमेंट है उसका बड़ा महत्व है। पॉलिटिक्स में चेहरा काम करता है या मुद्दे? मुद्दे, मुद्दे और मुद्दों के साथ चेहरा, अगर दोनों मिल जाएं तो सोने में सुहागा। आपने बात की डायलॉग या डिलीवरेंस? डिलीवरेंस, लोग डिलीवरेंस पर विश्वास करते हैं, डायलॉग पर नहीं करते। की प्रायोरिटी क्या रहेगी, डायलॉग या डिलीवरेंस? यानी या आप, अगर मैं कहूं कि पॉलिटिक्स को डिफाइन करें तो वो पैशन है या प्रोफेशन है? पॉलिटिक्स पैशन है और डिलीवरेंस उसका अंतिम अस्त्र है, और मैं उसी भाव से काम करूँगा। बस लास्ट क्वेश्चन के एक मैसेज आप दे दें अपने चुनाव को। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, यदि देश को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, और फिर 5 साल अभी हमें प्रधानमंत्री जी को देने हैं, तो 25 मई को चाहे कुछ भी हो जाए, गर्मी का पारा कुछ भी हो जाए, हम लोग अपने घर से निकलें और परिवार सहित वोट दे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजयी बनाएं। प्रधानमंत्री जी 542 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हर जगह, क्योंकि वो स्वयं नहीं हो सकते, तो हम सब जो चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, हम सब उनके प्रतिनिधि हैं। लिहाजा मेरा आपसे अनुरोध है कि आप 25 मई को बैलेट नंबर 3 पर कमल का बटन दबाएं और भाजपा को विजयी बनाएं।